हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉपर ऑक्साइड पाउडर और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का रिएक्शन देखेंगे। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपर ऑक्साइड के काफी थोड़ा सा सैंपल एक बीकर में रख लेता हूँ, राइट। और मैं इसमें अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगा और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब आप ये देख सकते हो, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये ब्लू ग्रीन कलर का अपीयर हो रहा होगा, आपको भी अपीयर हो रहा होगा। ये हमारा जो है हल्का ग्रीन है और हल्का ब्लू भी दिख रहा है। शुरुआत में इनिशियली हमारा जो सॉल्यूशन था ब्लैकिश था, लेकिन अब जो है ये सॉल्यूशन ये ब्लू ग्रीन कलर का हो गया, यानी इसका कलर चेंज हो गया। तो इसका कलर चेंज क्यों हो गया? इसका कलर चेंज इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड जो होता है इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए हमारा ये सब्सटेंस जो है चेंज हो गया, इसका सॉल्यूशन का कलर जो है चेंज हो गया। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक कलर का था, और HCl ये एसिड था। और कॉपर ऑक्साइड को अगर हम देखेंगे तो कॉपर हमारा मेटल है, ये ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है मेटलिक ऑक्साइड है। और मेटलिक ऑक्साइड को हम लोग जानते हैं कि ये बेसिक होता है, बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये यहाँ पर एक बेस का काम करेगा और ये हमारा एसिड, और मिल के बनाएंगे साल्ट और वाटर, दैट इज CuCl2 जो है कॉपर क्लोराइड। ये हमारा एक साल्ट ही है, एक आयनिक कंपाउंड है और एक कैटायन एनायन है, तो ये हमारा साल्ट है और ये सॉरी एक्यूएस होता है, एक्यूएस एक्यू एक्यू है यहाँ पे एक्यूएस, ओके। और ये हमारा जो है साल्ट है और प्लस वाटर भी बनता है इसमें, H2 लिक्विड। तो इन जनरल हमारे पास हम लोग एक लिख सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं। हमारे पास जनरली अगर मेटलिक ऑक्साइड होगा, मेटलिक ऑक्साइड और प्लस उसमें हम लोग एसिड अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलने जा रहा है साल्ट एंड प्लस